नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले की सब्ज़ी। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही चटपटी हम आज छोले की सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी छोले चना लेंगे। एक कटोरी छोले में हम लगभग आधे लोटा के समथिंग पानी डालेंगे, जिससे वो पूरी तरह डूब जाए। और उन्हें अच्छी तरह ढककर रात भर के लिए या 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे। मैंने ये रात को भिगोए थे और सुबह देखिए ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी कुकर में हम ये जो छोले हमने डाले थे, कलाए थे, वो पानी सहित इसमें उबलने रखेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी और मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। और अच्छी तरह से चला दें इसे। इसके बाद कुकर को लगाकर और फिर हाई और मीडियम फ्लेम पर उसको पकने दें, जब तक हम अपनी सब्जी की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, लहसुन लिए हैं और 2 बड़े आलू उबले लिए हैं। यहाँ मैंने 6 टमाटर लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के हो तो आप कम भी कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पीस लिया है। ये टमाटर की प्यूरी तैयार है। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, शिमला मिर्च। यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम मसालों की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच धना, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, बारीक पिसी हुई सौंफ ली है, 1/2 चम्मच के लगभग काली मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 काला नमक लिया है और सफ़ेद नमक 1 चम्मच भर कर लिया है, 1 चम्मच यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, यहाँ छोले चना मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच जो हमारे नौड़ा आते हैं उसको बड़ी इलायची बोलते हैं, उसको पीस कर मैंने पाउडर लिया है उसका। और इसमें हम 1/2 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से चला देंगे और इसको गलने देंगे, जब तक हम अपनी सब्जी की तैयारी करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई को मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई रखी है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है। हम 2 बड़े चम्मच भर कर तेल लेंगे, क्योंकि छोले की सब्जी में मसाला ज़्यादा है तो तेल भी ज़्यादा लगेगा। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरे, 1/2 चम्मच राई और थोड़ी सी सौंफ डाली है, क्योंकि हम पहले ही पिसी सौंफ ले चुके हैं। जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो हम प्याज डालेंगे और हल्का भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब हमारी प्याज थोड़ी सी भून जाएगी फिर हम इसमें लहसुन जो हमने काटी थी लहसुन डालेंगे। इसको अच्छी तरह चलाने के बाद 5 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज और लहसुन जब अच्छी तरह से पक जाएगी फिर इसमें हम जो शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च ली थी हमने, वह उसको पकने देंगे। प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च को एक साथ पकने देंगे, जब तक हमारी प्याज गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। हमें इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। यहाँ देखिए हमारी प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है, गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसमें मैंने मीठी नीम डाली है, आप चाहे तो करी पत्ता का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मसाले भिगोए थे वो सारे मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे और उन्हें अच्छी तरह से पकने देंगे। इसको हम ढक कर रख देंगे और 5 मिनट बाद देखेंगे। देखिए ये हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, सारा पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है और तेल छोड़ दिया है सारे मसालों ने। इसका मतलब है कि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं।
अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे, जो हमने टमाटर पीस लिए थे वो इसमें पूरे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। और 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और हम बीच बीच में देखेंगे कि वो हमारे टमाटर पक गए हैं कि ये नहीं। ये देखिए 10 मिनट हो गए, मैंने इसको बीच बीच में चलाकर जो देखती गई थी और हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें मैंने जो आलू मैश किए थे वो डाले हैं। आप चाहे तो आलू को टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रेवी अच्छी करने के लिए, गाढ़ी करने के लिए टमाटर आलू को अच्छी तरह से मैश करके डाला है। इसके बाद हम जो छोले पक गए थे हमारे वो डालेंगे। 7-8 सीटी में ही मेरे छोले मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाए थे और वो अच्छी तरह से पक गए हैं। इनको एक समय लाने के बाद हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। मुझे यहाँ पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास के लगभग पानी और डाला है। आपको अपनी सब्जी जैसी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। मुझे यहाँ मीडियम सब्जी के हिसाब से मैंने 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि सब्जी गाढ़ी होने के बाद, थोड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होती है। ये देखिए हमारी छोले की सब्जी तैयार है। मैंने गैस बंद कर दिया है और इसमें धनिया डाला है। ये देखिए हमारी सब्जी ठंडी हो गई है, इसका और फ्लेवर अच्छा आ गया, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा कलर भी आया है। आप इसको छोले पूड़ी, छोले सब्जी के साथ खा सकते हैं और आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।